मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने गुरुवार की शाम राजभवन में राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे विरोधियों ने अलग अलग तरीकों से मुझे लंबे समय तक जेल में रखने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार न्याय की जीत हुई। 5 महीनों तक इन लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके से लंबे समयों तक जेल में रखने का प्रयास किया। हमने भी कानूनी लड़ाई का रास्ता अख्तियार किया। सड़कों पर आप लोगों ने हमें भरपूर सहयोग दिया और अंतोगत्वा न्याय के आदेश के अनुरूप और न्याय ने मुझे पाक साफ करार देते हुए बरी किया। उन्होंने कहा कि 5 महीने पहले सत्ता के नशे में चूर अहंकारियों ने मुझे चुप कराने की कोशिश की थी, लेकिन अब झारखंडियों की जनमत वापस बुलंद होगी। उन्होंने कहा कि अब मैं वापस आ रहा हूं और अब झारखंड रुकेगा नहीं और झुकेगा नहीं। और शपथ ग्रहण के बाद हम लोग जो रुकी हुई गाड़ी थी उसमें और गति के साथ आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। गांव-गांव तक हम सब लोग पहुंचेंगे और सरकार की विकास कार्यों को रफ्तार दिया जाएगा और झारखंड रुकेगा नहीं और झारखंड झुकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि 2019 में आप सब लोगों ने मुझे राज्य को एक दिशा देने के लिए और आपकी सेवा करने के लिए एक मौका दिया था, लेकिन हमारे षड्यंत्रकारियों को ये पचा नहीं कि एक आदिवासी नौजवान कैसे इतने ऊंचे पद पर जा सकता है। 2019 में आप सब लोगों ने मुझे राज्य को एक दिशा देने के लिए, आपका सेवा करने के लिए आपने मुझे मौका दिया था, लेकिन हमारे षड्यंत्रकारियों को ये पचा नहीं कि एक आदिवासी नौजवान कैसे इतने ऊंचे पदों पर जा सकता है। और आखिरकार 31 जनवरी को उन्होंने बेबुनियाद आरोप पर झूठा केस बनाकर मुझे मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। कहीं ना कहीं आज आप लोगों की दुआ और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं बाहर हूँ। लोकसभा चुनाव में झारखंड एकता का जो परिचय आपने दिया है, इसके लिए मैं झारखंड वासियों का सदा ऋणी रहूंगा। इन लोगों ने बेबुनियाद आरोप पर झूठे मुकदमे केस बनाकर मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन भगवान के घर में अंधेर नहीं रहता है। कहीं ना कहीं आज आप लोगों की दुआ और आप लोगों का आशीर्वाद जो विगत लोकसभा में झारखंडी एकता का जो परिचय आप लोगों ने दिया है, इसके लिए मैं झारखंड वासियों का सदा ऋणी रहूंगा। आगे सोरेन ने कहा कि अब मैं पुनः आपके समक्ष आ रहा हूं और आपका हक अधिकार आप तक पहुंचाने के लिए मेरा हर संभव प्रयास रहेगा। झारखंड के जो हमारा प्रदेश है, यहाँ के जो आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब, कुचले, किसान, मजदूर, हम उन्हीं की आवाज हमेशा बनने का प्रयास हम लोगों ने किया है। मेरा हर एक निर्णय इस राज्य के लिए, यहाँ के मूल निवासियों, आदिवासियों के लिए, यहाँ के दबे कुचले शोषित पिछड़े वर्गों के हित में रहेगा। इस राज्य के लिए मेरा हर एक निर्णय यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए, यहाँ के दबे कुचले शोषित पिछड़े वर्गों के लिए, हर वर्ग हमारी कोशिश रहेगी। मैं अब शपथ लेने जा रहा हूं और शपथ ग्रहण के बाद हम लोग जो रुकी हुई गाड़ी थी उसे और गति के साथ आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। गांव-गांव तक हम सब लोग पहुंचेंगे और सरकार के विकास कार्यों को रफ्तार से आगे बढ़ाया जाएगा। मैं अब
शपथ ग्रहण लेने जा रहा हूं और शपथ ग्रहण के बाद हम लोग जो रुकी हुई गाड़ी थी उसमें और गति के साथ आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। गांव गांव तक हम सब लोग पहुंचेंगे और सरकार के विकास कार्यों को रफ्तार दिया जाएगा। अपने संदेश के आखिर में सोरेन ने कहा कि झारखंड रुकेगा नहीं, झारखंड झुकेगा नहीं और झारखंड रुकेगा नहीं और झारखंड झुकेगा नहीं। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट द्वारा कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दिए जाने के बाद 28 जून को जेल से रिहा कर दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा 31 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट एसटीवी।